ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके चैनल पर। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे 21 जुलाई के ईश्वरीय वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम पास हो जाएं हर सिचुएशन में, हर टेस्ट पेपर में लाइफ के। और देखें परमात्मा चाहते कैसे हम पास हों उसमें। तो बाबा कहते हैं, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा, एक शब्द है जिसका नाम है पास। तो पास हिंदी में भी होता है और एक होता है पास इंग्लिश में भी होता है, दोनों को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले, पास विद ऑनर भवा, किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि ये क्यों आया, कि ये पेपर क्यों आया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे क्यों ये पेपर मिलता है, मेरे साथ लोग ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं, मेरे साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, मेरे साथ में फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, मेरे साथ में संबंधों के इश्यूज क्यों आते हैं, कैसे आया, किसने किया, इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। तो अगर ये पेपर आया है तो परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार, अगर हम रेगुलर मुरली सुन रहे हैं तो परमात्मा के दिए ज्ञान के अनुसार हम उस पेपर को पास कर सकते हैं। कि क्या युक्ति लगानी है, क्या विजडम लगाना है उसके अंदर, और कौन सा ज्ञान यूज़ करना है, कौन से गुण यूज़ करना है, कौन सी शक्तियाँ यूज़ करनी है उस पेपर को पास करने के लिए। तो सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है। हमें पास होना है वो सिचुएशन में, पास करना है सिचुएशन को, पेपर को, और बाप के पास रहना है। तो पास के आपको मीनिंग भी पता चल गए, एक हो रहा है परमात्मा के पास रहना और एक हो रहा है पास होना सिचुएशन में। और परमात्मा कहते हैं कि अगर आप मेरे पास रहते हो तो मुझे परमात्मा की दी हुई शक्तियाँ और गुण प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम परमात्मा के क्लोज हैं तो वो शक्तियाँ गुण हमारे हो जाते हैं और फिर उस सिचुएशन को पास करना भी आसान हो जाता है। पास रहना है तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो पास हुए, परमात्मा के पास रहे, उनके अनुसार हमने कर्म करे और उस सिचुएशन को हमने कंट्रोल में किया फिर से, तो हम पास विद ऑनर। अब ये लाइफ का पास विद ऑनर है, दुनियावी वाली चीज़ों का पास विद ऑनर नहीं। तो ये पास विद ऑनर अगर हुए तो परमात्मा की नज़र में पास विद ऑनर हुए। ये करें कैसे, ये समझे कैसे, ये ज्ञान कौन सा है, ये विजडम कौन सी है जिसके हम हर सिचुएशन में पास हो सकते हैं और हमारे कर्म भी क्लीन और क्लियर हो सकते हैं और हम परमात्मा के पास भी रह पाएं, उस उनके दिल में रह पाएं। तो ये सीखने के लिए 7 डेज का कोर्स करिए आप, और गहराई में जाइए इसके साथ। इसके साथ ओम शांति।